वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम आरबीएल बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो आरबीएल बैंक स्टॉक की बात किया तो फ्राइडे के दिन 112 पे क्लोजिंग दी थी आरबीएल बैंक स्टॉक ने। तो आरबीएल बैंक की डिटेल्स देखेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही लगती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट भी चेक करेंगे। मार्केट कैप है 6700 करोड़ का है, पी रेशियो नहीं बुक वैल्यू 211 का है, आरओसी 4% की, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। डेब्ट देखा जाए तो कर्जा है 84,000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट -166 करोड़ का है, ईपीएस है -2.77 का और सेल से 8,445 करोड़ के, टोटल एसेट से 1 लाख करोड़ के ऊपर, प्रमोट होल्डिंग 0 है। तो बैलेंस शीट पे भी नज़र डाली जाए यहाँ पे आरबीएल बैंक स्टॉक के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 के बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं दिखाई दी अभी तक, पर वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के नंबर्स देखे जाए जो रेवेन्यू 8,445 करोड़ का है, पिछले साल से कम है हल्का सा। जो फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे -2,558 करोड़ का था, और यहाँ पे पिछले साल में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था प्लस में था, तो इस साल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉस में चली है आरबीएल बैंक स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत गिरावट भी देखने को मिले स्टॉक में, उसी का कारण यहाँ पे आप देखने को मिल रहेगा, क्योंकि लॉस में यहाँ पे 166 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आरबीएल बैंक स्टॉक के लिए।